हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 20C जो कि एरियाज और पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के ऊपर बेस्ड है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करके उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो सिंबल है, आपको इतना पैरेललोग्राम लिखना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी डबल लाइन देके जीएम लिख के पैरेललोग्राम लिख सकते हो। इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसके वो फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ बेस 32 सेंटीमीटर एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर। सेम देखो, यहाँ पर बेस गिवन है, हाइट आल्सो गिवन है, तो फॉर्मूला हम पुट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं। बेस 32 सेंटीमीटर एंड हाइट, आप इसको लिख भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, बस मैं आपको यहां वही दिखा रही हूं और समझा रही हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ मैं कैसे लिखूंगी, डबल लाइन विथ जीएम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला हमारा इधर है और आपको याद रखना है। हमेशा तो फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखा होगा ना, तो आपको याद रख लेना है। बेस इंटू हाइट, बेस हमारा कितना 16, बेस हमारा 32 इंटू 16.5, करेक्ट। तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट इसको ऐड कर लेते हैं, 5280। तो कितना निकला, 5280। पॉइंट कितने नंबर के पहले है, एक नंबर के पहले ही पॉइंट है, मतलब 5280। और हमारा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो 52, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लिखना नहीं है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर। इसको इरेज कर लेते हैं। आप रफ में ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर को लिखना, ऐसे आपको साइड में नहीं लिखना है, आप एक जगह उसका निकाल के रब कर लेना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम मेजर्स 1 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 75 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन मीटर स्क्वायर। इन मीटर स्क्वायर मतलब आपको मीटर यूनिट मीटर पर ही रखना है, तो यूनिट आपको यहाँ पर मीटर विद सेंटीमीटर दिया गया है, और ये जो यूनिट है वो सेंटीमीटर ही है। तो पहले आपको क्या करना है, मीटर को कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आंसर हमको मीटर पे ही चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.6 मीटर, डायरेक्टली लिखना है आपको, ठीक है। कन्वर्जन आपको पहले से आप जाके वो चैप्टर हमारा जो पहले जो 20 इस जो पहले जो चैप्टर है ना, इसी चैप्टर में मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बता चुकी हूँ, वो जाके आप वो वीडियो आप जाके चेक कर लेना, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा मीटर से सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर को कैसे कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो कन्वर्सन वीडियो आप जाके चेक कर लेना, नहीं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 0.75 मीटर। मीटर हमारा आ गया, तो जैसे हमारा आंसर जो भी हो मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि बेस ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए हमको क्या करना है, डबल लाइन विथ जीएम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ऐसे ही लिखना है। बेस हमारा 1.6 इनटू 0.75 एंड
टोटल हमारा मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 0.75 हमको मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 75 1200। तो यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर दो नंबर, सॉरी एक नंबर यहां पर है, यहां पर दो नंबर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ऐड करना होगा पॉइंट देने के लिए। तो वन पॉइंट इधर, टू पॉइंट इधर, मतलब टू नंबर्स इधर, वन नंबर इधर, तो वन प्लस टू नंबर, ठीक है, पॉइंट ऐसे मल्टी मतलब ऐड करके आपको पॉइंट लगाना है। थ्री नंबर, वन टू थ्री, तो पॉइंट थ्री नंबर्स पहले ही लगाना है, क्योंकि यहां पर दो नंबर है, यहां पर एक नंबर है, ठीक है। तो फाइनल 1.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 0.0 लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इरेज कर लेती हूं, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6.5 डेसीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, बस यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। वो हमको पूछा है कि सेंटीमीटर में हमको आंसर चाहिए, मीटर में हमको आंसर चाहिए। तो फर्स्ट हमको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आंसर क्या होगा, बेस तो गिवन है, मैं यहां और नहीं लिख रही हूं, आपको अगर लिखना है आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे कन्वर्सन कर सकते हो। 14 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 डेसीमीटर आपको लिखना है कि 140 सेंटीमीटर, क्यों, यहां पर आपको लिख देना है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वो हमको पूछा है सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसीलिए हम डेसीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट हाइट 6.5 डेसीमीटर, और इसको क्या करना है, 6.5 इंटू 10 जो कि 65 सेंटीमीटर, सेम 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो गया। अभी एरिया निकाल सकते हैं और यूनिट हमारा सेंटीमीटर में आ सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और बेस हमारा 140, हाइट हमारा 65, तो 140 65 कितना हुआ हमारा 0.0191, इसको इरेज कर लेते हैं। आप रफ में जाके मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके यहां पर आंसर आपको खुद खाली लिखना है, 9100, करेक्ट। 9100 क्या यूनिट, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, बेस इज इक्वल टू सेम 14 डेसीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.14 मीटर, क्यों, क्योंकि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, वहां पर हम लिखे थे, ठीक है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेम टू सेम हमको यहाँ लिखना है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अगर आपको ये कन्वर्सन याद रहेगा ना, आप इजीली ऐसे यूनिट कन्वर्सन कर सकते हो, वो वीडियो आपको जाके चेक कर लेना है, आपके लिए इजी हो जाएगा। हाइट बेस तो लिख दिए, नेक्स्ट हाइट, हाइट 6.5 डेसीमीटर, 6.5 को कन्वर्ट करना है मीटर पे, तो वो क्या करना है 0.65 मीटर। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये बहुत इजी है, बस यूनिट कन्वर्ट करना है, 0.14 इंटू 0.65, आपको 14 के साथ 65 को मल्टीप्लाई कर लेना है, बस उतना ही करना है। तो हम 14 को 65 में कन्वर्ट किए थे, वो कितना आंसर निकला था, 9100, ठीक है।
तो टू पॉइंट मतलब दो नंबर के पहले यहां पर पॉइंट है और दो नंबर के पहले यहां पर पॉइंट है, तो टोटल हमारा कितना हुआ, टू प्लस टू तो फोर, तो कैसे, ठीक है, तो यहां पर ये कितना मीटर स्क्वायर, और जीरो नहीं चाहिए, 0.91 मीटर स्क्वायर, आप 0 पॉइंट लिख सकते हो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, करेक्ट। इसको इरेज कर लेती हूं, ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।